शहर के गोल बिल्डिंग एमजी रोड जवाहर मार्ग राधावल्लभ मार्केट में शाम 7 बजे से 7:20 तक कपड़ा व्यापारियों ने अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दुकान के बाहर घंटी और थाली बजाकर विरोध किया। हम आपको बता दें कि व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% बढ़ाकर 12% GST कर दी है, जिसका विरोध प्रदर्शन किया गया। कपड़ा बाजार 20 मिनट अंधेरे में रहा। कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष द्वारकादास महाजन ने बताया कि यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस प्रकार का विरोध दर्ज कराया, क्यों कर रहे? भारत सरकार ने कपड़े वाले व्यापारी को GST जो 5% देते थे वो 12% कर दी, और जो पहले कपड़े वालों को सेल टैक्स नहीं था, 1% की प्रवेश कर लगता था, लेकिन बाद में 5% भी कपड़े व्यापारी ने स्वीकार किया। उसके बाद में 1 जनवरी से 12% की वृद्धि का हमारा विरोध है। ये विरोध भारत सरकार का पूरे भारत के अंदर है। व्यापारियों के कपड़े रेडीमेड और जूते चप्पल इसे कई 4-5 चीज़ों पर आज किस प्रकार का विरोध किया? आज हमने थाली बजा के और ब्लैकआउट लाइट बंद करके 7:20 की वृद्धि बंद कर रखा है। क्या नाम लिखते हो? द्वारकादास महाजन, कपड़ा व्यापारी अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।